शो वो छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं या कहानी आगे क्या होने वाली है ये सब मैं नहीं बता सकती हूँ. मोहब्बतें अभी भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है लेकिन करण को तो डेफिनेटली वी आर मिसिंग अ लॉट ऑन सेट. वो उसकी जो लाइवलीनेस है वो ऑब्वियसली वो हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. बट अभी ऐसे पार्टीज़ में हम लोग मिल लेते हैं दोनों एंड हमारे फैंस बहुत मिस कर रहे हैं करण को. सो आई होप ही कम्स बैक सून. नो पेन नो गेन. हाँ जी वो आया हुआ है ना उससे पूछ लो ना. भाई है देखिए वो जो करने जा रहे हैं आगे आई थिंक उनका डिसीजन उन्हें लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा. एंड जब मैंने लिया था तो मैंने भी सोच समझ के लिया था तो अच्छा है. उनके बिना वो शो बहुत अधूरा है. मुझे ही लगता कि करण दिव्यंका रूही जो कुछ करेक्टर है शो के मतलब हम जो थे सब तो हमारे एक एक जब जाता है तो बहुत शो टूटता जाता है. तो आई थिंक करण भाई के बिना वो शो बहुत अधूरा सा हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है. आई थिंक ऑडियंस को भी लगेगा. आई डोंट थिंक सो करण पटेल को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. वो उसको कोई रिप्लेस नहीं करण पटेल को कोई करण पटेल को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. रमन भल्ला को भी कोई रिप्लेस नहीं करता. जैसे आप देखते हो रोमी को भी अभी तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है. डेढ़ दो साल हो गया है तो रमन भल्ला को भी कोई रिप्लेस नहीं बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर कोई रिप्लेस करने की कोशिश करेगा. अगर शो बंद करना होगा तो करवा देंगे रिप्लेस और क्या हो सकता है. मैं यही बोलूँगा क्योंकि करण पटेल दिव्यंका त्रिपाठी ये सब बुनियाद है शो की. तो आई डोंट थिंक सो उनको कोई चेंज कर सकता है. इट्स नॉट पॉसिबल. आई थिंक बहुत खुश हूँ बिकॉज अली और नताशा भले ही उनका ब्रेकअप हो गया हो लेकिन बट दे ऑलवेज बिन वेरी गुड फ्रेंड्स. एंड आई थिंक एक बहुत अच्छी एंड हेल्दी बात है कि अगर आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अभी भी दोस्त हैं एंड दोस्ती बरकरार रख सकते हैं सो आई थिंक इससे अच्छी बात हो नहीं सकती. बिकॉज जस्ट बिकॉज यू गाइस रिलेशनशिप खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं कि आप नफरत करने लग जाए ना. मैं खुद आते नहीं जीत पाया मैं क्या टिप्स दूँ किसी को यार. आई जस्ट सेड दैट जितना भी हो जब डांस विथ योर डांस फ्रॉम योर हार्ट. एंड आई थिंक जैसा एक बहुत पहले ना आई हैड हर्ड माधुरी जी सेइंग दैट डांस इज अबाउट 6 inches फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज वेयर यू डांस फ्रॉम एक्चुअली. सो आई सेड बस कॉन्फिडेंस इज ऑन द फेस नॉट द बॉडी. आई नो बट सी फैंस से मैं कभी दूर जा नहीं सकता ना ही कभी जाऊँगा बिकॉज आई ऑलवेज सेड दैट मैं हूँ क्योंकि वो हैं. एंड हाँ ये है मोहब्बत छोड़ने का दुख है लेकिन इसी बात की खुशी भी है कि फिर मिलेंगे किसी और मंच पे किसी और जरिए. लेकिन आई थिंक पर्दा थोड़ा सा बड़ा रहेगा इस बार. सो आई थिंक उम्मीद है कि जल्दी मुलाकात होगी वापस उनसे. तो ये आके यहाँ आके बोल दें तो बाकी लोग भी सुन लें. नहीं नहीं इंशाल्लाह आई थिंक अगर अगर ऊपर आने चाहा तो ज़रूर ऐसा होगा. एंड आई प्रॉब्ली सी व द मूवीज देन. थैंक यू. हम लोग यही बात कर रहे थे उस दिन के हमने एक छोटा सा परफॉर्मेंस दिया था इंट्रोडक्शन एक्ट के टाइम और फॉर द फर्स्ट टाइम नचबलिया के सेट पर आकर वो नर्वसनेस नहीं फील हो रही थी एंड वी रियली इंजॉयड आवरसेल्व्स व्हिच वाज अ वेरी रेयर फीलिंग क्योंकि हमें याद है कि हम कितने घबराए हुए रहते थे टेंशन में रहते थे एक्ट्स की. तो जजेस क्या बोलेंगे सारे पूरा एक्ट ठीक से होगा कि नहीं प्रेजेंटेशन ठीक रहेगा मैं कुछ भूलूंगी तो नहीं बहुत सारी चीज़ें होती थी. बट या फॉर अ चेंज हम टेंस नहीं है एंड अच्छी बात यह है कि
हम लोग अब अच्छे पलों को याद कर रहे हैं. वैसे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, बहुत ग्रिलिंग होती है, पर अब हमें सब अच्छी अच्छी बातें याद आ रही हैं. And the best part is that we've just met the contestants also. They are, most of them are our friends. So, you know, वही exactly जो anxiety हम लोगों को रहती थी और वो उनकी आँखों में देखना. And we just want to tell them, don't worry, it's going to be fine. I actually told a few कि एक दूसरे के साथ moments enjoy करो. ये moments ज़िंदगी भर याद रहने वाले. And it actually teaches a lot about life also. अगर आप जैसे हम लोग तो हमारी नई नई शादी हुई थी उस time. तो मुझे पता चला कितना कुछ दिव्यांका की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चला, इनको मेरे बारे में जानना. तो आई थिंक यू लर्न अ लॉट अबाउट ईच अदर. वी लर्न सपोर्टिंग ईच अदर. बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है. हमने जब फर्स्ट एपिसोड देखना शुरू किया था, हम बेसिकली सिर्फ अपना परफॉर्मेंस देखने के लिए बैठे थे, पर हम शो छोड़ ही नहीं पाए. हमने पूरा शो देखा, यहाँ तक कि इन्हें भूख लग रही थी और हम लोग खाना लेकर नहीं आ रहे थे कि नहीं नहीं रुको ना अभी और बचानी नहीं रुको ना. सो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर ब्रेक्स. सो इट्स वेरी वेरी एंटाइसिंग, वेरी ग्रिपिंग. सबको वी कांट पिक वन राइट नाउ, इट्स टू अर्ली आल्सो, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है. हमारे सब दोस्त हैं, तो हम दोस्त हैं लेकिन कभी किसी को डांस करते हुए नहीं देखा है. तो या देखते हैं. आई थिंक वंस अ फ्यू वीक्स पास बाय देन वी विल बी एबल टू पुट अ फिंगर ऑन वन कपल और टू कपल्स और आई डोंट नो. सब हमारे दोस्त हैं तो हम लोग तो मधुरिमा हो या कीथ हो, रोशेल एंड अनीता, रोहित, अली, एवरीवन, सच गुड फ्रेंड्स वी हैव हियर. सो हम तो बोल भी नहीं सकते कि हम चाहते ये जीते वो जीते, हम चाहते सब लोग जीत जाए, काश. शो वो छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं या कहानी आगे क्या होने वाली है, ये सब मैं नहीं बता सकती हूँ. मोहब्बतें अभी भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लेकिन करण को तो डेफिनेटली वी आर मिसिंग अ लॉट ऑन सेट. वो उसकी जो लाइवलीनेस है वो ऑब्वियसली वो हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. बट अभी ऐसे पार्टीज में हम लोग मिल लेते हैं दोनों. एंड हमारे फैंस बहुत मिस कर रहे हैं करण को, सो आई होप ही कम्स बैक सून. हाँ हो जाता है यार. अब हम लोग ना एक्चुअली ध्यान नहीं देते हैं. हम बाहर एक्सटीरियर हमें पता होता है, देख के आईने में देख के हम जानते हैं अरे यार मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर लूँ, थोड़ा पेट अंदर कर लूँ, ये सब चीज़ें हमें दिखती है. लेकिन जो चीज़ें नहीं दिखती हैं वो आपके अंदर फूड दिख रहा होता है, पर ये नहीं पता कि वो यमी फूड कैसे बनाए, कहाँ बनाए, कैसे बनाए. बड़े इंस्टाग्राम पे फोटोज डालते थे खाने की, उन्हीं में से किसी ने गड़बड़ किया है. आप नहीं जानते हो कि आपने क्या खाया है, वो कैसे इम्पैक्ट किया है. सो आई थिंक थ्रू दिस आई जस्ट लाइक टू से वन स्मॉल थिंग, जस्ट बी केयरफुल ऑफ वट यू पुट इन योर माउथ एंड अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते रहे. आई थिंक माई वेल विशर्स और पीपल हु आर यू नो लाइक द सोशल मीडिया फैमिली आर नाउ सीइंग मी स्टैंडिंग हियर टॉकिंग, सो दे कैन बी रेस्ट अश्योर्ड दैट आई एम एब्सोल्युटली फाइन. एंड या लाइक आई सेड जस्ट कीप जस्ट बी केयरफुल कि आप लोग क्या खाते हैं. आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर स्टैंडिंग बाय आवर साइड एट ऑल टाइम्स. हमारी ना बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे फैंस. अगर वो हमारे साथ नहीं हो ना तो एक्चुअली मैं कई बार अकेला फील करने लगती हूँ. मैं वहाँ पे जब हॉस्पिटल में थी और मतलब थे ये पर हम साथ में थे, पर उनके जब मैसेजेस आ रहे होते थे ना, कमेंट्स आ रहे होते थे, दैट यूज्ड टू मेक अस फील गुड. अरे नहीं यार नहीं, ये सब नहीं होता अभी. स्टेप अभी बीमार था बच्चा. मुझे वीकनेस हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है. स्टेप के नाम से पैर कांपने लगा.